भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष का आरंभ हो चुका है, जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन समाप्त हो जाएगा। यानी 16 दिन के जो 16 श्राद्ध होते हैं उन्हें पितृ पक्ष के नाम से जाना जाता है। कनागत महालया श्राद्ध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन दिनों में हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, और जब हम उनको तृप्त कर देते हैं तो वो आशीर्वाद देकर के पुनः पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को परम शांति प्राप्त हो, उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाए, उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हो जाए, उन्हें परम पद प्राप्त हो जाए, तो आपको पितृपक्ष में इस उपाय को प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन आप नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को पितृपक्ष के किसी भी सोमवार को किया जा सकता है, पितृपक्ष के किसी शनिवार को किया जा सकता है, या फिर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को आप स्नान करने के बाद पूरी शुद्धता के साथ करें, पवित्रता के साथ करें, तभी आपको इसका पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। इस उपाय को जब आप पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त होते जाएंगे। निरंतर पितृपक्ष में प्रतिदिन इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। बस करना यह है कि आपको एक लोटे में जल लेना है। वो जो लोटा आप ले वो शुद्ध और पवित्र लोटा होना चाहिए, और उस लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा आपको लगभग 1-2 बूंद कच्चा दूध डालना है, तथा उसमें 11 काले तिल आपको डाल लेना है। और इस लोटे को आप ले जा करके शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना चाहिए। और जब आप शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, उस समय आप शिव जी से प्रार्थना करें कि हमारे समस्त पूर्वजों को आप मोक्ष प्रदान करिएगा, उनको परम शांति मिले, उनको परम पद की प्राप्ति हो और उनको सद्गति प्राप्ति हो। इस प्रकार से आप शिव जी से प्रार्थना करते हुए वह एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना चाहिए। एक लोटा जल में आपने थोड़ा कच्चा दूध डाला है, थोड़े यानी लगभग 11 काले तिल आपने उसमें डाले हैं। यदि काले तिल उपलब्ध नहीं है तो सफेद तिल आपको डालना है, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें तिल और कच्चा दूध अवश्य डालें। कच्चा दूध और तिल की जो मात्रा है वो आप अधिक भी कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और होना चाहिए एक लोटे में आपको जल, कच्चा दूध, काले तिल, इन तीनों का मिश्रण करके अगर आप पितृपक्ष में प्रत्येक दिन या फिर पितृपक्ष के किसी भी सोमवार को, शनिवार को, या पितृपक्ष की जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या हो, उस दिन यदि भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को आप इस लोटे से जल अर्पित कर देंगे, तो निश्चित मानिएगा कि आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी, उन्हें मोक्ष मिलेगा। और जब उनको मोक्ष मिलेगा तो आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी कारणवश मंदिर में जाकर के इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में जो शिवलिंग हो उनके ऊपर भी इसको आप चढ़ा करके इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूरी श्रद्धा के साथ में आपको इस उपाय को करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसी को पितर ग्रहण करते हैं, उसी को हमारे पूर्वज स्वीकार करते हैं। और जब वो हमारे द्वारा दिए गए इस जल को भगवान भोलेनाथ के माध्यम से स्वीकार करेंगे तो उनको तृप्ति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, तथा अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्योंकि जैसे ही पितृपक्ष आता है वैसे ही समस्त पितरों को जो है पितृलोक से जो पितरों के स्वामी है वह मुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने अपने परिजनों के यहां जाकर के
उनके द्वारा दिए गए श्राद्ध को, तर्पण को, पिंडदान को ग्रहण करो और निरंतर 16 दिन तक अपने परिजनों के घर के आसपास उनके द्वार पर वायु रूप में पूर्वज पितर भ्रमण करते हैं और जब उनके परिजन उनके निमित्त तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, गौ माता को रोटी यानी गौग्रास देते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, कौवे को रोटी खिलाते हैं या फिर चींटियों को आटा शक्कर खिलाते हैं या फिर अतिथियों को भोजन करवाते हैं, जरूरतमंद या मांगने वाले व्यक्ति को भोजन करवाते हैं, तो पितरों को वह भोजन प्राप्त होता है और उससे पितरों को संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो आप अगर ये सब कार्य करते हैं तो आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त होगी, उनको सद्गति मिलेगी तथा जब वो पितृलोक को प्रस्थान करेंगे तो आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे कि बेटा फलो फूलो, उन्नति करो, प्रत्येक कार्य में आगे बढ़ो। और जब वो पितृलोक पहुंचेंगे तो पितरों के स्वामी अर्यमान उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे लिए क्या क्या भोजन बनाया था, क्या क्या तुमको खिलाया था। तो यदि अपने पितरों के लिए आपने स्वादिष्ट तरीके से, शुद्ध तरीके से भोजन का निर्माण करके उनके लिए श्राद्ध किया है तो आपके पितरों के स्वामी अर्यमान के सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और पितरों के स्वामी इससे प्रसन्न होंगे तथा आपको भी पितरों के स्वामी का भी आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन नहीं बना पाते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो आपके पितर, आपके पूर्वज नाराज होकर के पितृलोक को प्रस्थान करेंगे और जब पितरों के स्वामी उनसे पूछेंगे कि आपके परिजनों ने आपको किस प्रकार से तृप्त किया है, किस प्रकार से श्राद्ध किया है और आपके बारे में जब वो अच्छा नहीं बता पाएंगे तो पितरों के जो स्वामी होते हैं अर्यमान, उनको भी दुख होगा और आपके जीवन में कई प्रकार के कष्ट और संकट आ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है पितरों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना, श्रद्धा से उनका श्राद्ध करना। देव कार्य से भी पहले पितृ कार्य बताया गया है, पितृ ही धर्म है, पितृ ही कर्म है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के प्रति आस्था प्रकट करते हुए, श्रद्धा प्रकट करते हुए, पितृ पक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ में उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और एक लोटा जल का जो उपाय हमने बताया है वो भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जन्म जन्मांतर के पितृ दोष समाप्त होंगे तथा आपके पूर्वजों को परम पद की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पितृ पक्ष में अपनी ओर से हमारे माध्यम से श्राद्ध संपन्न करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य अगर आप पितृ पक्ष के निमित्त, श्राद्ध पक्ष के निमित्त हमें प्रदान करना चाहते हैं, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, गौ माता को हरी घास आप खिलाना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।